नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco M4 Pro 5G वर्सेस Poco M4 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M4 Pro 5G में 6.44 इंच जबकि Poco M4 Pro में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M4 Pro 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M4 Pro 5G में 2.98 इंच जबकि Poco M4 Pro में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि M4 Pro 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो M4 Pro 5G में 0.34 इंच जबकि Poco M4 Pro में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो M4 Pro 5G में 195 ग्राम जबकि Poco M4 Pro में 179.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M4 Pro 5G में IPS LCD जबकि Poco M4 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M4 Pro 5G में 6.6 इंचेस जबकि Poco M4 Pro में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M4 Pro 5G में 84.97% जबकि Poco M4 Pro में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M4 Pro 5G में 399 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Poco M4 Pro में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M4 Pro 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Poco M4 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M4 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT 6833 और Poco M4 Pro में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Poco M4 Pro में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको M4 Pro 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M4 Pro की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में पोको M4 Pro आगे है, मेन कैमरा में पोको M4 Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में पोको M4 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है, दूसरा Xiaomi Poco M2 Pro है, तीसरा Realme 7 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।